ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हमारा गीता का स्वाध्याय है। आज जो हम जिस श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं, ये बड़ा क्लिष्ट, बड़ा वैसा श्लोक है, भगवान के विराट रूप के बारे में है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। पांचवें अध्याय का 29वां श्लोक, 5/29। ये पांचवें अध्याय का 29वां श्लोक है और ये बड़ा सुंदर श्लोक है। जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा तुमको लगेगा कि वास्तव में इसका एक एक भाव कितना विलक्षण है। तो इस गीत से पहले भगवान का जो ओंकार रूप है, उस ओंकार रूप का भजन करेंगे। ओम नमः नमो ओंकार। ॐ नमः नमोंकार। ॐ नमः नमोंकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ॐ नमः नमोंकार। ॐ नमः विधाता भू प्राणों में प्राण विधाता। घट घट वासियों, घट घट वासियों, वह सकल दुख भंजन पालक, वह सकल दुख भंजन पालक, हे अविनाशियो। सुख कर आनंद प्रदाता, स्व सुख कर आनंद प्रदाता, जीवन दाता, जीवन दाता। तीन लोक में बसे निरंतर, तीन लोक में बसे निरंतर, जगत विधाता।
तत्वह तत्व ज्ञान विज्ञान, तत्वह तत्व ज्ञान विज्ञान, विधायक स्वामी ओम, विधायक स्वामी ओम। सविता तेज शक्ति के दाता, सविता तेज शक्ति के दाता, अंतर्यामी ओम, ओम नमः नमो धारण कर जीवन में, धीम ही धारण कर जीवन में, नित नित ध्यावे ओम, नित नित ध्यावे ओम। यो सुबुद्धि विवेक ज्ञान की, यो सुबुद्धि विवेक ज्ञान की, ज्योति जगाए ओ नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो ओंकार, ओम नमः नमो नमो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञान्ताचय, श्रद्धा प्रज्ञान्ताचय। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापक गण, हमारे अधिकारी गण, अतिथि गण, आज का जो श्लोक है, पांचवें अध्याय का 29वां श्लोक, ये ईश्वर का विराट रूप बताता है। ईश्वर का विराट रूप क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ और तप का भोग करते हैं ऐसे ईश्वर। सर्वलोक महेश्वरम, जो सारे लोकों के ईश्वर हैं महेश्वर। सुहृदम सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के हितकारी हैं, जिनका कोई पराया नहीं है, सभी जिनके अपने हैं, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला, ज्ञात्वा माम, जो ऐसे स्वरूप को जान लेता है परमात्मा के स्वरूप को, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। शांति के कई रास्ते हैं गीता में, बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु एक रास्ता ये है कि परमात्मा के विराट स्वरूप को समझना, परमात्मा का जो बहुआयामी स्वरूप है उसको समझने की कोशिश करना। ये जो आज का श्लोक है, इसको थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा तुमको, तुम लिखते चले जाना, इसको ब्रेकअप करेंगे थोड़ा थोड़ा। माम, मुझे, अर्जुन से बोलते हैं मुझे, माम यानी मुझे, यज्ञ तपसाम, सब यज्ञ और तपों से, तपों का, सब यज्ञ और तपों का, दो चीज़ें हैं यज्ञ और तप, इनका भोगने वाला, भोक्तारम भोगने वाला, भोक्तारम भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, इसका अर्थ है संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, अकेला ईश्वर नहीं, ईश्वरों का भी ईश्वर, तथा तथा इन इन्वर्टेड कॉमा,
सर्वभूतानाम समस्त प्राणियों का, समस्त भूत प्राणियों का सुहृदयम दयालु प्रेमी स्वार्थ रहित ज्ञात्वा तत्व से जानकर, ऐसा तत्व से जानकर व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। यज्ञ और तप का जो लक्ष्य है, यज्ञ और तप का जो भोग करते हैं, जिस काम के लिए किए जाते हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं सर्वलोक महेश्वर, उनके लिए यज्ञ और तप मनुष्य जीवन की व्यक्तिगत और सामाजिक श्रेष्ठता का नाम है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की श्रेष्ठता है यज्ञ और तप। यज्ञ सामाजिक जीवन की और तप व्यक्तिगत जीवन की श्रेष्ठता। जीवन की सामाजिक श्रेष्ठता यज्ञ है, व्यक्तिगत श्रेष्ठता तप है। जो उत्कृष्ट होगा वह यज्ञ होगा। यज्ञ का मतलब है इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। यज्ञ का मतलब है इदम न मम, यज्ञ का मतलब है इदम और मम दोनों खो जाएं जिसमें, यानी कि स्वार्थ और अहंकार रहित कर्म यज्ञ है। स्वार्थ रहित अहंकार रहित कर्म यज्ञ है, न तो स्वार्थ है न अहंकार है। यज्ञ किया जाता है निस्वार्थ भाव से। श्रेष्ठ जीवन का आचरण जिनके लिए किया जाता है, जीवन की श्रेष्ठता जिनके लिए होती है, वो होती है इसलिए कि हर लोग जीवन को उत्कृष्ट बना सकें, ऐसे ईश्वर के समान हम बन सकें। जीवन को हम उत्कृष्ट बना सकें, ईश्वर के समान बना सकें, ऐसे ईश्वर का हम तप करते हैं। भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ना हो। सभी जगह प्राणी हैं, सभी जगह परमेश्वर हैं, वो प्राणियों के हितकारी हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी के अपने हैं किसी के पराए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं, किसी तरह का कोई भेद नहीं। सभी प्राणी जिनके अपने हैं, जो सभी प्राणियों का हित सोचते हैं, सभी प्राणियों के लिए जिनके हृदय में स्थान है, ऐसा हम जान लें तो हमें सहज शांति प्राप्त होती है। भाई हमारा भी ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारा अपना ईश्वर हो जाता है, ईश्वर हमारा अपना हो जाता है, हम ईश्वर के हो जाते हैं, परमेश्वर के। और उस ऐसा परमेश्वर जो सभी प्राणियों का है, वो हमें शांति प्रदान करता है। हम अशांत क्यों रखते हैं, अशांत क्यों रहते हैं हम लोग? अशांत हम इसलिए रहते हैं कि हमें शत्रुता वैर परेशान करता रहता है, हमारे मन में दुर्भावनाएं होती हैं दूसरों के लिए, इसलिए हम अशांत हो जाते हैं। अगर हम ये जाने कि ये हमारा वैरी है, इससे हमें बदला लेना है, तो अशांति अशांति है। और अगर हम ये जान लें ये हमारा अपना ही है, तो ये हमारी शांति का मूल मार्ग है। अगर हम मित्र के घर में विश्राम करें तो परम शांति, और शत्रु के घर में विश्राम करें तो परम अशांति। हम उसी से जुड़ते हैं जिससे हमारा संबंध होता है, उसके साथ हमारा कुछ ऐसे ही होने लगते हैं जैसे कोई आदमी चोरों के गिरोह में शामिल हो जाए, जो नशा करते हैं उनके गुट में शामिल हो जाए, तो कुछ न कुछ घटियापन उसमें भी आ जाएगा, कुछ न कुछ ओछापन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा संबंध किसी ऐसे से हो जाए जो श्रेष्ठ है, जो उत्कृष्टतम है, उत्कृष्ट है, तो फिर हम भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। हमें यह जानना है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, उत्कृष्ट या निकृष्ट। उत्कृष्ट जीना चाहते हैं तो उत्कृष्ट के साथ रहें। ईश्वर क्या है? ईश्वर की बहुत सुंदर परिभाषा है, मनुष्य जीवन का परम आदर्श। ईश्वर है मनुष्य जीवन का परम आदर्श। मनुष्य जीवन की दिव्यता का, जीवन की भव्यता का, जीवन की उत्कृष्टता का, जीवन की श्रेष्ठता का शिखर, जीवन की उत्कृष्टता का, जीवन की श्रेष्ठता का शिखर, टॉप मोस्ट पॉइंट, पीक ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे अगर कोई है, अगर दिव्यता के, डिविनिटी के, तो वो ईश्वर है। जो कुछ अच्छा है और श्रेष्ठतम है वो भगवान है। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सद्गुणों से भरा हुआ, ये सब कुछ जो है वो भगवान है। इसका थोड़ा सा भी अंश हमारे अंदर आ जाए तो हमारे यहाँ भगवत्ता आ जाएगी, हमारे अंदर भगवत्ता प्रवेश हो जाएगी। जिनके जीवन में कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुए, कुछ अच्छा हुआ, जो बाद में पहले से अच्छे हो गए, उनका इतिहास देखें तो आपको मिलेगा कि उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा सत्संग मिला, लोगों को कहीं ना कहीं उनको सही लोगों का साथ मिला, कहीं ना कहीं उनको भगवान की ओर वो मुड़े, और किसी न किसी रूप में, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप में मुड़े, परोक्ष रूप में मुड़े,
पर धीरे धीरे उनके जीवन में श्रेष्ठता आती चली गई। जैसे जैसे श्रेष्ठता प्रवेश करती है वैसे वैसे हम श्रेष्ठ बनते चले जाते हैं, परमात्मा की ओर मुड़ते चले जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, पारस परसी कुधातु सुहाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई। यानी दुष्ट व्यक्ति को सठ को भी अगर सत्संग मिल जाए तो वो सुधरने लगता है, क्योंकि पारस को कुधातु जो लोहे का जंग लगा हुआ लोहा भी मिल जाए तो उसको भी सोना बना देता है। हमारे जीवन में अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ बुरा हो रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई भावनात्मक रूप से हमारा उस बुरेपन के प्रति लगाव है। या तो हमने जोड़ लिया है, या उसने वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा वजनदार है, उसने हमको जोड़ लिया है, हम कमज़ोर पड़ गए उसके सामने और हम बुरेपन के साथ जुड़ गए। चाहे नशा हो, चाहे गाली देना हो, चाहे लड़ना हो, ये सारा का सारा होता रहता है। हम कहीं बुरेपन से जाने या अनजाने में जुड़े तो नहीं रहे हैं, हमारे रिश्ते नाते कहीं बुरे तो नहीं हैं। ढूंढे अपने अंदर, हम कुछ ना कुछ ध्यान करते हैं। ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान का मतलब है वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़ाव। ध्यान का मतलब है वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़ाव। हमारा किससे है? उत्कृष्टता से है कि नहीं, श्रेष्ठता से है कि नहीं, अपने आसपास की चीज़ों से, आसपास की परिस्थितियों से, परिवेश से सबसे जुड़े हैं। जुड़ाव है हमारा, ऐसा नहीं कि जुड़ाव नहीं है, लेकिन जो जुड़े हैं वो कुछ अब ऐसा लगता है बहुत अच्छे नहीं हैं, धूमिल हैं, धुंधला है, मटमेला है। तो हम क्या करें? हम अच्छाइयों को अपने जीवन का साथी बनाएं, उत्कृष्टता को, अच्छे गुणों को। हम ध्यान किन चीज़ों का करते हैं ये देखें। कभी हम ज्योति का ध्यान करते हैं, कभी हम चंद्रमा का ध्यान करते हैं, किस लिए? उनके माध्यम से कुछ गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए। कभी सूर्य का ध्यान करते हैं, कभी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का ध्यान करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे भागीरथ, जैसे नचिकेता, जैसे परम पूज्य गुरुदेव। श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का ध्यान, सूर्य का ध्यान, चंद्रमा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान हमारे मन की दिशा मोड़ देता है, हमारे भावों को और विचारों की दिशा मोड़ देता है, हमारे भावों को मोड़ देता है, एक पॉजिटिव मोड़ देता है। संतों ने कहा सुमिरन और स्मरण दो शब्द हैं। सुमिरन, हम स्मरण करते हैं, किसी किसी को हम हमेशा याद रखते हैं, किसी किसी को हम कभी कभी याद करते हैं। सुमिरन इतना खास क्यों है? सुमिरन इसलिए खास है कि सुमिरन में हम कंटिन्यूसली उनको याद करते रहते हैं। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध भी कर तो मुझे याद रख। सर्वेषु कालेषु, सब समयों में मुझे याद कर। मनुष्य नहीं याद कर पाता, भगवान को याद नहीं कर पाता। मृत्यु आती है तब भी याद नहीं कर पाता। उस समय भी लोग कई बार कहते हैं कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, वो नहीं याद करता। उस समय उसके दिमाग में नाती पोते सब, दुकान घर सब घूमता रहता है। हम रिश्ते नातों को याद करते हैं, पर दुखों को याद करते हैं, पीड़ाओं को याद करते हैं, हम परेशानियों को याद करते हैं अपने जीवन की, और संसार का ताना बाना जो हमारे चारों ओर बुना हुआ है उसको याद करते रहते हैं। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, संसार और भगवान, बस। संसार हमारे चारों तरफ है जिसमें हम रहते हैं, संसार है इसलिए हम हैं। सांसारिक तो रहेंगे, थोड़े बहुत तो सांसारिक रहेंगे, पर संसार में रहो पर भगवान को याद रखो, सुमिरन करो। संसार में रहो पर भगवान को याद रखो। कभी कभी हम सामान्य सी यादों के बीच में हम श्रेष्ठ याद पैदा करते हैं। ईश्वर की याद, भगवान की याद, कृष्ण की याद, राम की याद, शिव की याद, गायत्री की याद, यदि सुमिरन इनका हम करते हैं तो अचानक अंधेरे कुहासे भरे वातावरण में सूरज की किरणें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ध्यान हमारे लिए द्वार खोल देता है, ध्यान हमारे लिए द्वार खोल देता है। ध्यान है परमात्मा की श्रेष्ठतम उत्कृष्टता के चेतना में स्नान। जैसे हम नहाते हैं ताजे हो जाते हैं, ऐसे अपने विचारों को भी स्नान कराने की कला सीखें। विचारों को स्नान कराने की कला ध्यान है। गीता तो क्लास तो गीता की है आज, पर ध्यान की परिभाषा बता रहा हूँ।
ध्यान हमारे लिए द्वार खोलता है, उन्मुक्त कर देता है। अंधेरी कोठरी में ध्यान हमारे लिए प्रकाश के रास्ते खोल देता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, हजारों वर्षों से कोई कोठरी बंद थी, अंधेरा था, और एक आदमी मोमबत्ती लिए अंदर प्रवेश करता है, न जाने कहाँ से उस छोटी सी मोमबत्ती में शक्ति आ जाती है और हजारों साल से बंद कोठरी में वो अंधेरा जो था वो मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है। थोड़ी सी मोमबत्ती, इतनी सी मोमबत्ती प्रकाश वाली, बस उतना ही चाहिए, बस केवल। आपने कभी कोई फिल्में देखी होंगी फैंटेसी वाली या रहस्य वाली, जिसमें कि खंडहरों को खोजते हैं तो टॉर्च लेके जाते हैं या वो लेके जाते हैं लाइट लेके जाते हैं, वो जलती हुई मशाल, तो अंदर जाते ही पूरा पूरा अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। इसी तरह से ध्यान जो है वो हमारी अंधेरी कोठरी में प्रकाश फैला देता है, हमें अपने आप का परिचय देता है, अपने तत्व का परिचय देता है, जिससे अभी तक हम अपरिचित रहे। ध्यान गजब कर देता है। जीवन में सब कुछ ठीक ठीक है, हमको रोटी कपड़ा मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पाने की चाहत होती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ समझ में आ जाएगा। रूस में राजशाही थी, रूस में राजा का शासन था, ज़ार कहलाते थे, ज़ार, CZAR, ज़ार, जारशाही कहलाती थी। और जारशाही तो थी, बादशाहत में क्या होता है, राजा सब कुछ होता है, प्रजा बहुत कम होती है। वहाँ क्रांति हुई, ज़ार के खिलाफ विद्रोह हुआ और साम्यवाद आया, जिसको हम कम्युनिज्म नाम से जानते हैं। सबको समान रूप से रोटी कपड़ा मिलने लगा, सबको नहीं मिलता था पहले, जीवन की सामान्य सुविधाएं मिलने लगी। साम्यवाद का मतलब सब कुछ बराबर बराबर होगा, सब कोई बादशाह नहीं होगा, कोई कमज़ोर नहीं होगा। नारा दिया गया, दो वर्ग हैं, एक सर्वहारा एक बुर्जुआ। सर्वहारा वो जो भुगतता है, बुर्जुआ वो जो सबसे ज़्यादा अमीर है, मालिक है। दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ, एक नारा दिया गया, दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ। ये कम्युनिज्म के ज़माने की बात बता रहा हूँ, आज से 100, 125, 150 साल पुरानी बात। कई तरह के नियम बनाए गए, कई तरह की व्यवस्थाएं हुई, बहुत पैसा धन था वो बांट दिया गया बराबर बराबर। कुछ लोगों ने कहा धर्म ने खाई बनाई, कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म अफीम की गोली है, धर्म अफीम की गोली है, इसलिए धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। धर्म रहेगा तो ये भेद बना रहेगा। उस ज़माने में फादर पादरी सबसे ज़्यादा रईस होते थे, पैसे वाले होते थे और सबसे ज़्यादा डराने वाले भी होते थे, इसलिए उन्होंने कहा इनको हटाओ सबसे पहले। जो आदमी को सुला देता है, कुछ करने नहीं देता है, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हम सो गए, अब सो गए तो शोषण करते रहो, किसी को नशा खिला दो तो उसको फिर होश नहीं आएगा, ऊंच नीच की खाई। राजा के ठेकेदार, पंडित पुजारी, पुरोहित, अक्सर पंडित पुजारी जितने होते थे वो राजा के ठेकेदार होते थे। पुरोहितों ने सारा गड़बड़ किया, राजा के प्रति सम्मोहित किया और बताया गया, उन्होंने कहा धर्म ठीक नहीं है, धर्म को निकालो, अब साम्यवाद कहीं नहीं है, साम्यवाद समाप्त हो गया, क्योंकि साम्यवाद की मूल जो नस थी वो गड़बड़ा गई। साम्यवाद में तानाशाही आ गई और साम्यवाद की वजह से पूरा के पूरा एक ढांचा पूरे विश्व का बदल गया था, 3/4 वर्ग साम्यवादी हो गया था, वो बदल गया पूरा पूरा। मजदूरों को रोटी मिली, अच्छा हुआ काम मिला, तुमने सुना होगा इस मेहनत कश इंसानों से, अब एक गाना था हुआ करता था उस ज़माने में, मुंबई की जो जितनी मिलों में शूटिंग होती थी वो सारा का सारा शूटिंग उन्हीं के ऊपर आधारित होती थी, मजदूरों के ऊपर, मजदूरों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याओं का समाधान, समाधान क्या, मालिक को हटाओ, मालिक के खिलाफ संघर्ष, नारे लग रहे हैं। उस समय ये सारा का सारा चल रहा था, बाद में धीरे 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 पिछले 30 साल में 40 साल में समाप्त हुआ। साम्यवादियों ने सब कुछ अपने अधीन ले लिया, इसके आगे साहित्य का सौंदर्य चला गया, साहित्य का सौंदर्य समाप्त हुआ। टॉल्स्टॉय, गोर्की, चेखव, ये अच्छे साहित्यकार थे, बहुत ऊंचे साहित्यकार, उन्होंने लिखना बंद कर दिया। क्यों? लिखेंगे तो मजदूरों के बारे में लिखेंगे, साहित्य में रंग देने के लिए कुछ तो कल्पनाएं चाहिए, तो साहित्य में रंग देने के लिए कल्पनाएं चाहिए, कल्पनाओं से उन्होंने, साम्यवादियों ने कहा हमें नफरत है, कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए,
फैंटेसी नहीं होनी चाहिए। जीवन में रोटी के अलावा भी जिंदगी है, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं केवल रोटी के लिए लिखो। बस चांद तारों की कल्पनाएं हम करते हैं, कवि कहता है, तो उन्होंने कहा कवि कवि की ज़रूरत नहीं हमें, हमें अच्छा लगता है, फैंटेसी अच्छी लगती है, परियों की कहानी अच्छी लगती है। तो ये साम्यवादी ने समाप्त कर दिया, परंतु धीरे प्रिंस क्रोपाटकिन आए बीच में। एक साम्यवाद आने पर इंसान की जिंदगी के खंडहर बचे इमारतें तो रहीं, लेकिन उनकी जो सुंदरता थी वो चली गई। कला और सौंदर्य ये हमारे जीवन की शान है, कला और सौंदर्य। हाँ, जरूरी है हमारी रोटी की आवश्यकता भी पूरी हो, सामान्य साधन भी हमको मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, पर कला और सौंदर्य के बिना सब अधूरा है। कला होनी चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर। एक ज़माना आया जब लोगों ने कहा हमें रोटी के अलावा भी कुछ और चाहिए, तो फिर धीरे धीरे जब सुख और सौंदर्य खो गया तो हमारे जीवन में फिर से सौंदर्य आया, साहित्यकार आए, कविता लिखने वाले आए, नाटक आया, ड्रामा आया, वो सब पूरे के पूरे जो कलाएं थी सांस्कृतिक आधार पर वो सब आए। साम्यवाद एक धर्म की तरह से, संप्रदाय की तरह से स्थापित हो गया, देखते देखते दुनिया का बड़ा हिस्सा साम्यवादी हो गया, पर उसको मिटना पड़ा। तब की स्थिति ऐसी हो गई थी मित्रों, अभी पिछले 60-70 साल पहले फिल्में आती थीं कि पति जो है वो तो ऑफिसर है और पत्नी जो है KGB की एजेंट है, वो अपने पति की जासूसी कर रही है। जिंदगी की मिठास खो गई, पति पत्नी में संबंध समाप्त हो गए, और साम्यवाद इसकी वजह से, जिंदगी की मिठास खो जाने की वजह से साम्यवाद हारा, साम्यवाद का पतन हुआ, क्योंकि जीवन में जो श्रेष्ठता की उड़ान थी, उत्कृष्टता की उड़ान थी, वो खो गई थी। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उत्कृष्टता जरूरी है जीवन में, उसको बार बार ला रहा हूँ, मैं बार बार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, मालूम नहीं तुम में से किसी ने देखी थी कि नहीं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पति पत्नी रहते हैं कि घर में है, पर दोनों को नहीं मालूम कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। पति को ये काम दिया गया कि पत्नी को मारना है, पत्नी को ये काम दिया गया पति को मारना है। आखिर में जब दोनों की पिस्तल एक दूसरे के सामने आती हैं, तब पहचान समझ में आता है उनको कि ये षड्यंत्र उनको समाप्त करने का था। इस तरह की जो चीज़ें आई वो साम्यवाद की वजह से आई। ईश्वर जीवन की परम स्वतंत्रता है। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो ईश्वर है जीवन की परम स्वतंत्रता, परम स्वच्छंदता है। स्वच्छंद शब्द जो है आवारागर्दी नहीं है, वो स्वच्छंद घूमता रहता है, अपने मन से घूमता रहता है, कहीं भी घूमता रहता है। स्वच्छंद का मतलब आवारागर्दी नहीं है, छंद का मतलब होता है लय, वो लय में घूमता है, लय में, अपनी ही लय में रहता है, अपनी ही रिदम में रहता है। छंद का मतलब होता है गीत, आत्मा के गीत गाना, अपने स्वच्छंद का मतलब है अपनी आत्मा के गीत गाना, उस उड़ान का एहसास करना। हमारे ये कबीर से लेके मीरा से लेके जितने भी कवि हैं, ये सब के सब स्वच्छंद कवि हैं। भक्तिवाद आया हमारे यहाँ, छायावाद आया, दोनों वाद आए, दोनों सर्वाइव कर गए, और दोनों में स्वच्छंदता थी, दोनों में लय था। जब शुरू में जनवरी में करीब करीब अंदाज से 1910-1911 में पॉल डायसन ने उपनिषद पढ़े, उपनिषदों का बड़ा उच्च कोटि का चिंतन पढ़ा, तो उसने अनुवाद किए उनको जर्मन से हिंदी में, जर्मन से इंग्लिश में, रशियन से इंग्लिश में करवाया उसने। पॉल डायसन ने लिखा उपनिषद दुनिया की सबसे सुंदर गीतमाला है, उपनिषद दुनिया की सबसे सुंदर गीतमाला है। मनुष्य की चेतना ने इतनी ऊंची उड़ान कभी नहीं भरी जितनी इन उपनिषदों में भरी। मित्रों, मैं तुमको उपनिषद के कुछ कुछ श्लोक बीच बीच में देता रहूँगा, तुमको लगेगा कि उपनिषदों से सुंदर वास्तव में कुछ भी नहीं है। अगर तुमको शोक लग गया आने वाले 3 सालों में 5 सालों में, तो उपनिषद तुम्हारे जीवन के आधार बन जाएंगे, प्राणों के आधार बन जाएंगे। उपनिषद इतने खूबसूरत हैं, ये उड़ान जो है ईश्वर की, और उड़ान ये हमें उपनिषद में दिखाई देती है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तब हम मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब मैं एक वाक्य बार बार बोलूँगा, जब हम ईश्वर की बात करते हैं, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो मनुष्य जीवन के सौंदर्य की बात करते हैं, मनुष्य जीवन का सौंदर्य।
जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो सार्वजनीन सामूहिक सार्वभौमिक भौमिक प्रेम की बात करते हैं, सबका सबसे प्रेम करें हम, सबका हित हो सबके लिए। जब ईश्वर की बात करते हैं तो हम अपनेपन की बात करते हैं, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो अपनेपन की बात करते हैं। अपनापन कैसा होना चाहिए, हमारा पारस्परिक प्यार कैसा होना चाहिए, हमारा आपस में रहना कैसा होना चाहिए। जब ईश्वर की बात करते हैं तो हम सारी खाइयों को पाटने की बात करते हैं, धर्म की खाइयाँ, खंदक, संप्रदाय की खंदक, विभिन्न प्रकार की। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हम सबको अपनाने की बात करते हैं, जब हम सब ईश्वर की बात करते हैं तो सबको अपनाने की बात करते हैं। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो दुनिया के जीवन के दुनिया के बीच इंसानियत के बीच हम पुल बांधने की बात करते हैं, इंसानियत के बीच पुल, हर एक के बीच में पुल होना चाहिए। ईश्वर का नाम है पुल, ईश्वर पुल बांधता है दो वर्गों के बीच में। रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं, आखिरी है जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो परायापन दूर करके अपनापन बनाने की बात कहते हैं। जब ईश्वर की बात करते हैं तो परायापन दूर करके अपनापन डेवलप करने की बात करते हैं। इससे बड़ा खूबसूरत एहसास क्या हो सकता है। पहले के युगों में संस्कृत काव्यों में कहीं कहीं अंग्रेजी में प्रेम गीत भी लिखे गए, बहुत अच्छे अच्छे प्रेम गीत लिखे गए, रोमियो जूलियट से लेके कई प्रकार के नॉवेल लिखे गए, करीब करीब इलियट ने, किट्स ने, सब ने, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, अच्छे अच्छे काव्य लिखे। आजकल तो वीडियो कॉलिंग आ गई, वीडियो में आप कर दो या फिर व्हाट्सएप में कर दो। जिस ज़माने में ये गीत लिखे गए उस ज़माने में संस्कृत के काव्यों में हवाओं को दूध बनाते थे, हवाओं को, ए हवा तू जा, वो जाके हमारे प्रेमी को संदेशा दे दे, बस कहा कल्पना कल्पना। तो हमारे कवि ने भी कल्पना की और गुरुदेव के लिए लिखा, ओ संता देवता संदेशा मेरा तुम ले जा, देवता संदेशा मेरा तुम ले जा, जहाँ कहीं कल्पना है कि सविता देवता के माध्यम से हम संदेशा भेज रहे हैं गुरुदेव को, ठीक है ना। अयोध्या सिंह हरियोग करके कवि हुए हैं, उन्होंने कालिदास के पैटर्न पर इसी तरह की कविताएं लिखी, हे बादल जहाँ भी तुम जाओगे हमारे प्रिय के पास, हवा तुम भी तो पहुँचोगी वहाँ पर, चांद तुम भी तो वहाँ खड़े होगे, ये जो हवा है, चांद है, मेघ है, ये दूर बैठे लोगों के दिलों को जोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रकृति के प्रति प्रेम डेवलप हुआ वो कविता के साथ साथ डेवलप हुआ, और ये मार्क्सवाद के समाप्ति के बाद हुआ है, क्योंकि मार्क्सवाद तो बैन लगाता था इस पर, हवा से भी ज़्यादा, चांद से भी ज़्यादा, बादलों से भी ज़्यादा क्या है, इनसे भी ज़्यादा क्या है, भगवान,
इनसे ज़्यादा भगवान है। हो सकता है हमारी हवा धरती की इसी कक्ष में मंडरा के चुप हो जाती हो, ये चल रही है ऊपर से हवा चल रही है, यहीं चुप हो जाती है। बादल हो सकता है आसमान में बरस के शांत हो जाते हों, पर हमारा सूरज भी हो सकता है धरती पर उदय हो रहा है, उस आसमान में किसी लोक में उदय ना होता हो, लेकिन ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति, वो कहीं भी हो सब जगह स्थित है, वो हर किसी जगह किसी भी लोक में किसी भी स्थान पर हम उसके द्वारा अपनी बात कह सकते हैं, हम ईश्वर के द्वारा अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी गई, बादल कैसे कहेगा हमारी बात, हमारे दिल की बात कैसे पहुंचाएगा। बादल है ना, ये वहाँ भी तो बरसेंगे, हमको छूकर ये हवा वहाँ भी तो जाएगी। हम स्पर्श करना चाहते हैं अपने प्रियजन का, बहुत दूर हमारे प्रियजन हैं, भावनाओं से कर सकते हैं। एक बड़ा सुंदर सा काव्य है जिसमें भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक रानियाँ थीं, भगवान श्री कृष्ण की अनेक रानियाँ थीं। सास के सामने पति से मिलने में थोड़ी सी आड़े मर्यादा आड़े आती है। कवि कल्पना करता है जब श्री कृष्ण दूर से पहुँचे युद्ध भूमि से, सबकी इच्छा थी कि हम श्री कृष्ण को गले लगाएं, लेकिन कैसे, देवकी खड़ी थी, देवकी कौन थी सब रानियों की, अरे तुमको कहानी मालूम होना चाहिए भाई, सास थी, सास खड़ी थी, तो ऐसे में क्या करें, हमारे गांव की महिलाएं तो घूंघट कर लेती हैं, पर वहाँ घूंघट करने की बात नहीं थी, वो संकोच में थी कि हम कृष्ण को गले कैसे लगाएं। तो श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को गोद में लिया, प्रद्युम्न उनका बेटा था, गोद में लिया सभी रानियों में, और जैसे उतारा उसके बाद सभी रानियों में होड़ मच गई कि हम भी प्रद्युम्न को गोद में लें, क्योंकि प्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने गोद में लिया है। समझ गए कि नहीं तुम लोग, समझ गए, तुम लोग थोड़ा देर से समझोगे इसको। प्रद्युम्न को गोद में लेने की होड़ मच गई सभी रानियों में, प्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने छुआ है ना, इसलिए बादल ने जिसको छुआ है वो हमारा संदेश वहाँ तक ले जाएगा। प्रद्युम्न छोटे थे, उनको गोद में लेने का मतलब, उनको गले लगाने का मतलब, जब हमने परिजन से मिलना चाहते हैं तो कई बार समाज में कई बार मर्यादाएं आड़े आती हैं, उसमें हमसे को मिलने में कौन सहायक होता है, प्रकृति के तत्व, आकाश, सूरज, बादल, मेघ, और अगर हम सभी से मिलना चाहें तो सभी से प्रेम करना चाहें तो परमेश्वर। सबसे बढ़िया प्रेम करने के लिए अगर कोई तत्व हो सकता है तो परमेश्वर। भोक्तारम यज्ञ तपसाम लोक महेश्वरम, वो जो यज्ञ और तप का स्वामी है और सारे लोगों का ईश्वर है वो। गीता में भगवान कहते हैं अगर आपको कोई एकाकी लग सकता है, कोई व्यक्ति अकेले गुफा में बैठा है, समाज से दूर है, तो वो लगता है आपको कि बेकार बैठा है, बेकार नहीं बैठा है, हो सकता है वो वहाँ प्रेम के गीत गा रहा हो, सबके लिए प्रेमपूर्वक सुखदपूर्वक विचार पहुँचा रहा हो, सबके जीवन में प्रकाश उड़ेलने के लिए प्रार्थना कर रहा हो। श्री अरविंद ने 50 साल तक केवल अकेले ही साधना की, मौन रह करके, पर उस साधना में उन्होंने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम था। कल उनका जन्मदिन था 15 अगस्त, और उनसे किसी ने कहा आज़ादी का दिन आ गया, आप निकले नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आप शुरू के 10-11 साल तो बहुत सक्रिय रहे, उसके बाद नहीं। तो बोले नहीं, मैंने जो काम उस समय किया वो अब फलित हो रहा है, और अब मैं जो कर रहा हूँ ये आने वाले 100 साल में फलित होगा, मौन साधना। परम पूज्य गुरुदेव ने श्री अरविंद के साथ साथ साधना चालू की थी, और उन्होंने साधना चालू की, और साधना चालू करने के बाद उन्होंने भी मौन साधना और अपनी अखंड ज्योति की लेखनी की साधना साथ में, इसके साथ साथ 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान ये किए। रमन महर्षि ने भी भक्ति की साधना की। तो ये जो हो सकता है कि जो वो कर रहा है, हो सकता है आप नहीं कर सकते, आप अपने दायरे में बंधे हुए, परिवार के दायरे में बंधे हुए, वो बंधा हुआ नहीं है, बंधन मुक्ति का स्वाद है उसको, भले ही वो अकेले गुफा में बैठा है। गुरुदेव ने कहा मैं कुछ न करूं तो भी मेरे कमरे से वो इतनी ऐसी तरंगे निकलेंगी कि आने वाले दिनों में हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करेंगे। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है ईश्वर प्रेम में, समष्टि के प्रेम में, सृष्टि का जो प्रेम घुला होता है इसमें यदि मिल जाए तो हमारे अंदर भी प्रेम ही प्रेम समा जाएगा। भगवान कहते हैं सुहदम सर्वभूतानाम, किसी के वो बेरी नहीं है, सबके प्रिय हैं, सबके अपने हैं। कैसे गाए जाए वो प्रेम के बीत गीत, कैसे किया जाए सबको एक साथ प्रेम, कैसे किया दिया जाए सबको एक साथ उपहार, सारे विश्व में परमात्मा फैला हुआ है, कैसे किया जाए। कोई जन्मदिन आता है या कुछ आता है, हम गिफ्ट देते हैं कि नहीं, आपके मित्र को अगर कोई जन्मदिन आया तो गिफ्ट देते हो कि नहीं, उपहार देते हो कि नहीं।
अगर आपको भी देना है भगवान को उपहार तो कैसे दोगे आप? कैसे देंगे, कोई बोल सकता है? एक इंटेलिजेंट रिप्लाई चाहिए मुझे। हाँ बोलो। यज्ञ कौन बोला? नहीं नहीं यज्ञ कोई बोला अभी? किसी ने बोला यज्ञ? किसने बोला? अच्छा यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम भगवान को उपहार दे सकते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा उपहार, समस्त लोगों को एक साथ उपहार देना हो, समस्त लोगों को, समष्टि को, सभी प्राणियों को एक साथ उपहार देना हो, एक साथ। अरे जो धूम्र जाते हैं, धूम्र के कण जाते हैं सूक्ष्म के, सूक्ष्म में जाते हैं, सूक्ष्म में जाकर के विलीन हो जाते हैं और ऊपर जाकर के सारे स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर सब में मिलकर, मीजोस्फीयर सब में मिलकर के ऊपर परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँचाएंगे? हम यज्ञ से, यज्ञ से हम सभी को एक साथ उपहार देते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं व्यक्ति के लिए नहीं देते, बल्कि हम समष्टि के लिए देते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया में समस्त लोगों के साथ, समस्त चराचर के साथ एक हो जाते हैं। यज्ञ में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इस यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ का भोग जो है वो देवताओं के माध्यम से भगवान तक पहुँचता है। यज्ञ का प्रसाद जो आप यज्ञ करते हैं उसका जो पुण्य है भगवान तक पहुँचता है। भगवान उसमें से खींच लेते हैं अपने लिए भोग, आहुति भगवान तक पहुँचती है। देवों का मुख अग्नि है, यज्ञम उ देवानाम अन्न, यज्ञ देवों का अन्न है। देवता भोजन तो करते नहीं है, आपको किसी ने गलत फहमी दे दी होगी कि नहीं साहब वो तो उनके भगवान के मंदिर में हमने देखा, देवताओं के मंदिर थे वहाँ तो खूब सारे चढ़ावा चढ़ जाता है, तो पुजारी को चढ़ावा जा रहा था, पुजारी खाता है वो तो सब, उसका परिवार खाता है और उसका प्रभाव उनके घर में दिखाई दे रहा है। डायबिटीज़ भी है, मोटापा भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, सब कुछ है वो दिखाई दे रहा है, पर भगवान तक नहीं पहुँचता। भगवान तक नहीं पहुँचता, भगवान तक कैसे पहुँचेगा? भगवान तक पहुँचेगा वो आहुति पहुँचेगी चुटकी भर हवन सामग्री की आहुति देने से। यज्ञम उ देवानाम अन्न, हमारी वो चुटकी भर हवन सामग्री हमारी स्वाहा समस्त लोगों में पहुँचा देती है, सुगंध के रूप में, सत्कर्म के रूप में, सद्भाव के रूप में। हमारे सत्कर्मों के माध्यम से हम यज्ञ करते हैं, उसके साथ सद्भाव, सत्कर्म, सद्भाव, सुगंध, समस्त लोगों में भाव फैल जाता है। भगवान कहते हैं मैं यज्ञ पुरुष हूँ, मुझे पहचानो। भगवान का एक अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में है, 24 अवतारों में से एक अवतार यज्ञ पुरुष। तप का मतलब क्या होता है? तप है अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। आप अपने प्रति कठोर रहिए, जरूरत से ज़्यादा लग्जरी नहीं, जरूरत से ज़्यादा सामग्री नहीं अपने लिए, जहाँ तक हो सके समाज के लिए जीने की कोशिश करना। जब हम अपने प्रति कठोर होते हैं तो तप कहलाता है, लेकिन तप अपने को सताने का नाम नहीं है, तप संयम का नाम है, तितिक्षा का नाम है। तितिक्षा सब तुम भूलोगे तो नहीं, अभी पहली क्लास में तितिक्षा बताया था, है ना, सहने का नाम है। तप संयम का नाम है, तप आलस और त्याग, आलस्य और विलास को त्यागने का नाम है। तप आसक्ति और अहंकार को छोड़ने का नाम है। मैं इतनी सारी परिभाषा बता रहा हूँ, याद जितनी रहें तुम ठीक है। तप कठोरतापूर्वक रहने का नाम नहीं है, तप आलस्य और विलास को त्यागने का नाम है, तप आसक्ति और अहंकार को छोड़ने का नाम है। ये अ आ याद रखना, अहंकार, अ से अहंकार, आ से आसक्ति, दोनों को छोड़ना है, अहंकार और आसक्ति। कम से कम अपने जीवन का निर्वाह करते रहें, जो तो साधन बचते हैं, सामग्री बचती है, उसको जोड़कर कंजूसों की तरह से मत रखो, बांट दो, उसको ही बांट दो। यज्ञ में कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाती, सब कुछ होम कर दी जाती है, लोक हित के लिए, सर्वहित के लिए। यज्ञ और तप एक साथ चलते हैं, जो तपस्वी है वही एक वो अपने ऊपर सारी सुविधाओं का, सारी सामग्री को खर्च नहीं करता, वो दूसरों को देगा तो कब कब और कैसे, उसके पास साधन ही नहीं बचेंगे, दूसरों का हिस्सा खाता है। भगवान कहते हैं जो भगवान दूसरों का हिस्सा खाता है वो चोर है। स्तेन एव स, स्तेन मतलब स्तेन का मतलब होता है चोरी, वो चोरी करता है। जो दूसरों को दिए बिना खुद अकेला खाता है वो चोरी करता है। इसलिए हमारी माँ हमको सिखाती थी बचपन में, थोड़ा सा हिस्सा भोजन का, दो चावल, छोटी सी रोटी का टुकड़ा, थोड़ी सब्जी, निकाल दो बाहर, ये बाद में मैं अग्नि को समर्पित कर दूंगी,
बलिवैश्व यज्ञ, बलिवैश्व यज्ञ, बलिवैश्व यज्ञ की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे यहाँ, हमारे माता पिता हमको सिखाते थे। भगवान कहते हैं जो चोरी करता है वो अपना हिस्सा खाता है, दूसरों को नहीं देता। भगवान कहते हैं जो अपना हिस्सा दूसरों को देता है वो यज्ञ करता है, जो अपना हिस्सा दूसरों को देता है वो यज्ञ करता है। जो इदम न मम का स्वघोष करता है वो यज्ञ करता है। यज्ञ केवल यज्ञ कुंड में नहीं होता, यज्ञ जीवन की विधा है, जीवन की शैली है, एक यज्ञ जीवन की विधा है। केवल यज्ञ यज्ञशाला में नहीं होता, यज्ञ यज्ञ जीवन का विधान है, जीवन जीने का नाम है, और सबके लिए प्रेम गीत गाने का नाम है यज्ञ, सबके लिए, सबका हेतु। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, हम गाते हैं बार बार, या हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, गीत है, बहुत सुंदर गीत है। जब यज्ञ चलता है, जब वेद मंत्रों का गायन हो रहा होता है, तब सामगान गाए जाते हैं। जब वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती है तो प्रेम गीत गाए जाते हैं, ऐसा लगता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, समष्टि के लिए। प्रेम गीत समष्टि के लिए, आदर्श जीवन की कल्पना, ऐसे उन्नत जीवन की कल्पना जैसे दधीची ने जी, दधीची ने अपना शरीर दे दिया, होम कर दिया, तप के माध्यम से वज्र बनने को दे दिया, वज्रासुर से, वज्र जो है उसी से वो मरा है, वृत्रासुर का हनन हुआ है वज्र से, इंद्र के, और बाद में फिर इंद्र के साथ वज्र रहा है, अस्थियों का वज्र। ये हर एक के बस की बात नहीं है, केवल दधी जी दे सकते थे, और कोई और किसी ने नहीं दिया। लोकहित की बात है, किसी को अगर तपना है, गंगा की धारा बहानी है, भगीरथ बनना पड़ेगा, गंगा की धारा बहाने के लिए भगीरथ बनना पड़ेगा। जब किसी गांव में, किसी एक घर में महात्मा तपता है, महापुरुष तपता है, तो सारा परिवार नहीं, पूरा गांव सुखी होता है। जब किसी गांव में, किसी एक परिवार में एक महात्मा तपस्या करता है तो पूरा गांव सुखी होता है। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को आगे बोलो, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ कहते हैं। मुख से खाता है पर विवेक के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी में, टिश्यूज में, सारे से। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। ये मुखिया हैं सृष्टि के, भगवान नारायण क्या हैं, मुखिया हैं सृष्टि के। मुखिया जो होता है मुख की तरह होता है, मुंह अकेला खाता है ऐसा नहीं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स अलग अलग कर लेता है, नहीं वो भी नहीं करता, वो बांट देता है पूरा। यज्ञ कुंड में चला गया ना, पेट में हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, 13 प्रकार की प्राकृत अग्नियाँ, उनमें 4 अग्नि ऐसी हैं जो खास हैं। इन 4 अग्नियों में जो जलता है वो सारा के सारा हमारे आध्यात्मिक यज्ञ कुंडों में चला जाता है, हमारे शरीर में यज्ञ कुंड है। जो भोजन की आहुति होती है स्वाहा होता है, वो जठराग्नि ले लेती है, पेट में जो आग जलती है जठराग्नि में स्वाहा होता है। पाले पोसे सकल अंग, सभी अंगों का पालन पोषण करता है विवेक के साथ, विवेक भी होता है, किसी अंग को ज़्यादा दे दिया, किसी अंग को कम दे दिया, ऐसा तो नहीं, सबको जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार मिलता है। हमारे यहाँ भोजन करने से पूर्व गायत्री मंत्र बोलते हैं, कई संस्थाओं में, जहाँ भी मैं भी पहले कई संस्थाओं में गया हूँ, यहाँ भी मैं बोलता हूँ, गायत्री मंत्र के साथ साथ हम एक मंत्र और बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अरे भोजन करना ब्रह्म कर्म के समान है, समाधि की स्थिति में जाने के समान है। तुम भोजन को ऐसे मत करो जैसे सड़क के किनारे लोग बैठ करके भोजन करते हैं ना, वैसे भोजन नहीं करना है। तुम पूजा घर में बैठ के भोजन कर रहे हो, जहाँ भोजन कर रहे हो वो भोजन है, भोजन प्रसाद है, खाना खा रहे नहीं, ब्रह्म कर्म हो सकता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म को अर्पित कर रहे हैं, हवि जो दी जा रही है, आहुति दी जा रही है, भोजन सामग्री दी जा रही है, वो ब्रह्म ही तो है। पेट में जठराग्नि जल रही है वही ब्रह्म है। जो भूख लग रही है वो भी ब्रह्म है, क्षुधा सता रही है। कहते हैं कि क्या बीमारी है, बोलते हैं मंदाग्नि है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है। आयुर्वेद में भूख न लगने को क्या कहते हैं, मंदाग्नि, और खाने की समूची प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्रह्म कर्म। इसका लक्ष्य क्या है, समाधि है, ब्रह्म कर्म समाधि ना हो। अर्पण भी ब्रह्म को
ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, सब कुछ ब्रह्म में जाएगा, ब्रह्म कर्म समाधि ना। ये मंत्र बहुत विलक्षण है, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, इसको तुम याद रख लेना। याद रखने से ये एडवांटेज रहेगा, तुमको याद हो गया भोजन के पहले इसको बोल सकते हो। अब मेरे साथ साथ बोलो, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। आज एक बार बोला है, अब ऐसे कई बार बोलोगे तो याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। और ये बोलने से ऐसा लगता है कि जैसे हम भगवान को दे रहे हैं भोजन, भगवान के पास जा रहा है। तो ये जो सर्वलोक महेश्वर है, यानी सब लोगों के स्वामी, ये वो संदेश ले जाएंगे जिस तरह से मेघ संदेश ले जा रहे हैं, हवा ले जा रही संदेश। ऐसे यज्ञ किया और हम धरतीवासी बने बनकर रहे तो कोई बात बनेगी नहीं, ये पूरे विश्व में फैलना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में फैलनी चाहिए। हमारे पुराणों में कथा कही गई, देवों की कथाएं, पितरों की कथाएं कहाँ कही जाती है कि नहीं? जब हम देवों से संपर्क करते हैं तो कौन से कैसे संपर्क करते हैं? हमारे पास यज्ञ नाम का टेलीफोन है, यज्ञ नाम का। देवों से संवाद करते हैं तो कैसे करते हैं? हम यज्ञ के माध्यम संवाद सूत्र हैं। हमारे यहाँ अश्विन महीने में पहला पखवाड़ा होता है, वो कहलाता है पितृपक्ष। तुम जानते हो ना पितृपक्ष, पितरों का आहुति देते हैं, पितरों को बुलाते हैं, पितर आते हैं बाकायदा और आहुति लेते हैं। हम जब देवों के लिए कहते हैं स्वाहा और पितरों के लिए कहते हैं स्वधा, देवों के लिए कहते हैं स्वाहा और पितरों के लिए कहते हैं स्वधा। तो ये आते हैं एकदम स्वधाई एकदम नमम, अपने पितरों को देते हैं, जो हमारे पुरखे नहीं रहे उनको देते हैं। पितरों को श्रद्धा दें वो आपको शक्ति देंगे, एक किताब लिखी हुई है हमारी, पितरों को श्रद्धा दें वो आपको शक्ति देंगे, ठीक है ना, पढ़ लेना किताब मिल जाएगी आपको। और पितरों को श्रद्धा देने से क्या होता है कि वो आपको अदृश्य सहायक के रूप में, इनविजिबल हेल्पर्स के रूप में मदद करते हैं, इसलिए ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये जो पितरों वाली बात मैंने इसलिए कही कि स्वधा और स्वाहा इन दोनों के माध्यम से हम सही अर्थों में इन इस पक्ष में भगवान सबके हैं ये सिद्ध करते हैं। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, इसलिए हम आहुति के माध्यम से उनको देते हैं। हमारे पास साल में एक बार पुण्य घड़ी आती है 15 दिन की। तकलीफ की बात क्या है कि ये पंडों के लिए भोजन करने की घड़ी बन जाती है, पंडित प्रेम से भोजन करते हैं, कई जगह बुकिंग हो जाती है उनकी। अब क्या हो गया है कि पिछले 10-12 साल से बराबर पेपर में ही आ रहा है कि पंडों ने मना कर दिया है, हमको डायबिटीज़ है, हम नहीं आ पाएंगे, हम किसी एक जगह खा लेंगे थोड़ा सा निमित्त मात्र का, नहीं खा पाएंगे। अरे आप पूरी समष्टि को भोजन कराओ यज्ञ के माध्यम से, और अगर आपको देना ही है मान लो तो 5 आहुतियाँ आप उनके निकाल के रखिए। आप और देना चाहते हैं तो झोपड़पट्टी में जाइए, वहाँ जाकर बच्चों को खिलाइए, उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो आपके पितरों को शांति देगी। आप जाइए तो ऐसे लोगों में जाइए, गरीब जिनके पास भोजन नहीं है, कभी उन्होंने खाया ही नहीं, जैसे हमने खूब पकवान बना के रखे हैं, पकवान बना के उनको खिलाओ, तुम मत खाओ उनको खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर हम तो ब्राह्मण ढूंढते ना, ब्राह्मण के थ्रू क्या जाएगा, पितर तक चला जाएगा? कौन से किस मीडिया से जाएगा ये तो बता दो मुझे, कैसे जाएगा? भोजन यहाँ खाया जाएगा, इनकी तोंद से वहाँ तक कैसे जाएगा बताओ? नहीं जाएगा, नहीं जा सकता, किसी हालत में जा सकता। देवों से संवाद और पितरों से संवाद हो, और हम कहें हम थोड़ा और ज़्यादा संवाद स्थापित करेंगे तो कौन है? परमेश्वर। तो हमारे लिए परमेश्वर सर्वलोक महेश्वर, क्यों? वो सुहृद है, सबके अपने हैं, वो इस पक्ष में हैं कि उस पक्ष में, ऐसी बात नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ। पांडवों के पक्ष में नारायण खड़े थे, श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में, कर्ण विपक्ष में था, अर्जुन और कर्ण में युद्ध चल रहा था, विकट युद्ध था, लोमहर्षक युद्ध था। लोग थकित और चकित होकर देख रहे थे, दोनों प्रतिभाशाली योद्धा थे, दोनों बहुत ज़्यादा। इसके पहले भी युद्ध हो चुका था, अर्जुन का भीष्म पितामह से भी हो चुका था और द्रोणाचार्य से भी हो चुका था, पर यह अर्जुन और कर्ण में जब युद्ध चालू हुआ, द्वंद्व युद्ध चालू हुआ, सब के सब वो दोनों प्रतिभाशाली योद्धा, दोनों सगे भाई थे ना, माँ तो एक ही थी, एक सूर्यपुत्र और एक इंद्रपुत्र।
दोनों के दोनों प्रतिभाशाली योद्धा, दोनों दिव्यास्त्रों के स्वामी, दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी। अगर कोई अच्छा से अच्छा मित्र ढूंढना हो तो श्री कृष्ण को मित्र बनाना चाहिए, और कोई अच्छा से अच्छा मित्र बनाना हो जो भले खराब उसकी हिस्ट्री रही हो तो कर्ण को बनाना चाहिए। भले ही उसने दुर्योधन को मित्र बनाया, पर बनाया तो आखिरी तक निभाया, मरने तक निभाया। मित्र बनाओ तो ऐसे बनाओ। मित्रों, ये दोनों की युद्ध की बात बता रहा हूँ मैं। लोगों ने अपने अपने युद्ध बंद कर दिए, कर्ण अर्जुन का युद्ध देखने लगे। इतना भीषण भयावह लोमहर्षक संग्राम युद्ध जो चल रहा था उसमें प्रतिद्वंदी मजबूत नहीं थे, एक दूसरे प्रतिद्वंदिता की भावना कमजोर थी। युद्ध चल रहा था भीष्म और अर्जुन के बीच में, दोनों महान योद्धा थे, पर भीष्म अर्जुन को मारना नहीं चाहते थे, अर्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते थे, प्रहार नहीं करना चाहते थे, तो केवल तीर चलते थे, बस तीर चलते थे, बस भावनाएं जुड़ी हुई थी ना। आचार्य द्रोण और अर्जुन में भी युद्ध चल रहा था, पर द्रोण के शिष्य थे अर्जुन, इसलिए प्रहार नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं भावना बीच में आ रही थी। पर यहाँ तो विकट प्रतिद्वंदी खड़े थे। जब कर्ण से अर्जुन का युद्ध होता हुआ होना हुआ, भगवान ने पांडव सेना में कहा ये सबसे कठिन युद्ध होगा, इसमें अर्जुन की सबसे पूरी प्रतिभा की परीक्षा होगी, सबसे विकट योद्धा है कर्ण। अर्जुन बोले क्यों, क्या कर्ण भीष्म से ज़्यादा प्रतिभाशाली है? क्या वो युद्ध कला कौशल में आचार्य द्रोण से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली है? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि तुम भीष्म से तुम प्रेम में भरे हुए थे, आचार्य द्रोण तुम्हारे लिए प्रेम से भरे हुए थे इसलिए तुमसे युद्ध नहीं किया उन्होंने, लेकिन कर्ण तुम्हारे लिए घृणा से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है। वो पूरा युद्ध करेगा, और जब युद्ध करेगा तो वो तुमको मारने की सोचेगा। कर्ण को तुम परशुराम शिष्य मानो, कर्ण परशुराम शिष्य थे, आचार्य द्रोण के गुरु भाई, आचार्य भीष्म पितामह के भी गुरु भाई, वो भी परशुराम के शिष्य थे, उनको भी गुरु भाई मानना, ये युद्ध की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अर्जुन बोले कर्ण के पास तो अब कवच कुंडल भी नहीं है। अर्जुन अपने प्लस पॉइंट गिन रहा था, कवच कुंडल तो हमारे छीन के ले आए थे पिताजी इंद्र भगवान, उनका क्या कर लिया उन्होंने? शौर्य है उसमें, विकट शौर्य है, सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर आत्मबल है, सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर आत्मबल है। आत्मा ही हो आत्मनुबंधु, आत्मरिपु आत्मना, मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु। आत्मबल जिसके पास है उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। दो महान योद्धाओं का संग्राम, एक और सूर्यपुत्र कर्ण, दूसरे और इंद्रपुत्र अर्जुन, दोनों देव शक्तियों से भरे हुए। अब अर्जुन कर्ण की ओर बाण मारता था, जब अमोघ दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता था, दोनों के पास दिव्यास्त्रों की भीड़ थी, लगातार अचानक न जाने कहाँ से हाथ जाता था और लेके आते थे। कर्ण जब अर्जुन की ओर बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला जाता था, वो रथ जिस पे भगवान कृष्ण विराजमान थे, वो 7 कदम पीछे चला जाता था। लेकिन जब अर्जुन कर्ण के ऊपर मारता था तो उसका रथ जो है कोसों दूर चला जाता था। किसका? कर्ण का। शक्तिशाली था अर्जुन, शक्तिशाली था, तो बार बार जब जब उनका रथ पीछे जाए श्री कृष्ण का, तो वो ताली बजाएं। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर्ण, बहुत सुंदर। अर्जुन को अंदर से गुस्सा आया, उसने कहा आप उसके भेजने में तो ताली बजाते हो, मैं भेजता हूँ और वो पीछे इतने दूर तक चला जाता है, ताली नहीं बजाते मेरे लिए? बोले महाबली योद्धा है, महान कर्ण है, धन्य है कर्ण। तो बोले अर्जुन की ईर्ष्या जागी, बोले आप किसके साथ हैं, किसके पक्ष में हैं? मैं वो बात बोल रहा हूँ, भगवान किसी के पक्ष में नहीं है, भगवान सबके पक्ष में है, किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। किसके सारथी हैं आप, बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं? अरे बेटा तू समझता तो है नहीं, बेवकूफ़ की तरह से बकवास करता है। हमारा रथ 7 कदम पीछे हटता है, ये रथ वो है जिस रथ पर मैं विराजमान हूँ, इस रथ पे हनुमान जी विराजमान है ऊपर ध्वजा पे, तब ये 7 कदम पीछे चला जाता है। इतना ताकतवर कोई हो सकता है? वो कर्ण ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। कर्ण का बल है कि उसको पीछे हटा देता है, और तुम मारते हो, पर तुम्हारे साथ मेरा बल है, और मेरा बल है इसलिए इतना कोसों दूर चला जाता है, फिर आ जाता है वो। तुम्हारे बस कवच ही कवच हैं, तुम्हारे इतने अमोघ अस्त्र हैं, इसके बावजूद भी कर्ण के प्रहार तुम्हारे रथ को पीछे हटाने में सक्षम है, जबकि उसे नहीं हटना चाहिए। कर्ण तो कवच कुंडल विहीन है, उसका रथ भी दिव्य नहीं है, उसके पास अगर कोई बल है तो केवल एक बल है। कौन सा बल?
आत्मबल। आत्मबल संपन्न कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण हराता है अर्जुन को बिगिनिंग ऑफ द युद्ध में, तो बाद में मारा जाता है। केवल उसमें युद्ध कौशल नहीं है, नीति के माध्यम से मारा जाता है, उसमें अंदर से पराक्रम भी है, उसके अंतर चेतना में पराक्रम है। तब अर्जुन को समझ में आया। भगवान बोले, अर्जुन ईर्ष्या त्यागो, अहंकार त्यागो, प्रतिद्वंदी की श्रेष्ठताओं की तारीफ करना सीखो। तुम्हारे प्रतिद्वंदी में भी श्रेष्ठता हो सकती है। अगर युद्ध तुम्हारे लिए परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है तो केवल इसलिए तुम ईर्ष्या से, द्वेष से, विमन से दूर हो, तभी तो शुद्धताओं के बल पर महानताओं का नहीं होता। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सभी प्राणियों के हितकारी हैं। और कई बार भ्रांति होती है, कई बार भ्रम होता है, कई बार हम बेर मान लेते हैं भगवान से, लेकिन वो बेर भगवान नहीं मानते। दो कथाएं आती हैं पुराणों में। आचार्य शुक्र, शुक्राचार्य की कथा है। शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे, पर वो थे पुत्र, शुक्राचार्य भृगुपुत्र, भृगु ऋषि हैं। और भृगु के बारे में भगवान ने गीता में कहा है, महर्षि नाम भृगु अहम, महर्षियों में भृगु भृगु के रूप में मौजूद, कृष्ण का अंश उनके अंदर समाया हुआ है, भृगु के अंदर। तो भृगु का पुत्र है ये शुक्राचार्य। उनकी जो माता थी, अपनी माता को बहुत प्रेम करते थे। महर्षि भृगु तप के लिए गए, आचार्य पत्नी अकेली थी। उस समय देवों और असुरों में संग्राम छिड़ा, महर्षि भृगु उनकी रक्षा के लिए नहीं थे। भृगु के आश्रम में सारे दैत्य आ गए, सारे छिप गए। अच्छा, दैत्य कितने होंगे? हजारों लाखों होंगे। पर इतना बड़ा आश्रम हो सकता है? हाँ, होगा, जरूर होगा। भाई आश्रम अगर हजारों मील का हो तो उसमें सारे राक्षस छिप गए होंगे। और बोले कि माता, हम आपके शरण चाहते हैं। ठीक है, हम आश्रम में शरण देते हैं। माता ने शरण दे दिया, भृगु पत्नी ने आश्रम में दैत्यों को शरण दे दी। और दैत्य भृगु पत्नी के आश्रम में रहने लगे, निर्द्वंद निश्चल। क्यों? वहाँ नहीं आ सकते देवता, नहीं आ सकते। प्रभु की पत्नी के आश्रम पर देवों की ये मजाल नहीं थी जो वहाँ प्रहार कर सकें, क्योंकि देवों की शक्तियाँ वहाँ कुंद हो जाती थी। भृगु आश्रम, महर्षि नाम भृगु अहम, गीता भगवान कहते हैं। परम तेजस्वी महर्षि, परम तेजस्वी, अग्नि का साक्षात स्वरूप। देवताओं ने भृगु पत्नी से कहा, माता, ये दैत्य बाहर उत्पात मचाते हैं। वो बोली, ठीक है, तुम इन्हें बाहर मारो, लेकिन आश्रम में अंदर मत मारो। मेरे आश्रम में अंदर ये कोहराम मत, आश्रम में हमारे शरणागत हैं ये लोग। देवता लोग हार के कुछ कर नहीं सकते थे। भृगु पत्नी का तप तेज भी बहुत था। देवताओं ने नारायण की शरण ली। भगवान, अब आप ही कुछ करिए। नारायण बोले, देवी, आप इन्हें शरण न दें। बोले, हम शरणागत होकर आए, हमारे पास हम कैसे मना कर दें, कैसे तिरस्कृत कर दें। नारायण बोले, फिर हमको तो मार्ग निकालना पड़ेगा। राक्षस आपके यहाँ छिपे पड़े हों और हमारे देवताओं को मारते रहें अंदर से, हम नहीं कर सहन कर पाएंगे। नारायण बोले, भगवान विष्णु बोले कि अगर आप नहीं करेंगी त्याग तो हम इनका वध कर देंगे, हम आपका वध कर देंगे। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम आपका वध कर देंगे, और आपका संरक्षण नहीं होगा तो ये हम मारे जाएंगे सारे के सारे। बोले, नारायण, आपके हाथों मरकर मुझे सदगति प्राप्त होगी। अगर आप मुझे मार दें कोई दिक्कत नहीं, मेरे तप का फल मिल जाएगा। मैं अपने इस जीवन से थक चुकी हूँ, मैं भी चिर विश्रांति चाहती हूँ, वो भी चाहती हूँ आपके हाथों से हो। उनका सुदर्शन चक्र चला और भृगु पत्नी को मारता हुआ निकल गया। उनके मरते ही सारे राक्षस अंदर आ गए, सारे देवता अंदर आ गए और सारे राक्षसों को मार दिया। दैत्यों में से जो बच गए, भाग गए, उन्होंने घटना की पूरी कथा शुक्राचार्य को लौटते सुनाई। कहा शुक्राचार्य से कि ये इन्होंने अपने नारायण को सामने करके और मार दिया आपकी पत्नी को। भृगु ने कहा, पुत्र, विष्णु नारायण है, वो किसी के वैरी नहीं है। देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना, भगवान किसी के बैरी नहीं है, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। भगवान की क्या ठान रखी मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ बार बार आपत्ति आती है, मेरे खिलाफ ये चल रहा है, ये चल रहा है, सब भगवान की वजह से। हम कई बार भगवान को आरोप लगाते हैं, लेकिन तुम्हारी माता तो स्वयं जाना चाहती थी, आप ही मानिए, हम नहीं मानती, मेरी माता का हत्यारा है। शुक्राचार्य आए, उन्होंने कहा, ये विष्णु ठीक नहीं है। ये विष्णु से बैर लेकर शुक्राचार्य अनंत काल तक जीते रहे। विष्णु बैरी नहीं थे, ईश्वर सर्वभूतानाम, सुहृदम सर्वभूतानाम। भृगु पत्नी के भी उतने थे जितने दैत्यों के। एक घटना थी जो घटी उनके माध्यम से। ऐसे ही भगवान शिव की कथा है। भगवान शिव तो परम कल्याणकारी हैं, उनका नाम ही शिव है, शिव यानी कल्याण।
शिव के इस यथार्थ स्वरूप को परमात्म स्वरूप में को दक्ष नहीं जानते थे। सती से उनका विवाह हो गया था, दक्ष प्रजापति थे, शिव उनके दामाद थे, जामाता थे। दक्ष को लगता था सभी जामाता हमको प्रणाम करते हैं, ये शिव नाम का जामाता हमको प्रणाम क्यों नहीं करता, शिव हमारे दामाद है, सती से शादी हुई थी उनकी, प्रणाम करना चाहिए। चंद्र हमें प्रणाम करता है, दूसरे देव हमें प्रणाम करते हैं, सिर्फ शिव को ही प्रणाम करना चाहिए। प्रजापति का पद सबसे ऊँचा होता है, सबसे पहले जैसे सेना में ऑफिसर होते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर, नीचे हवलदार, सूबेदार, मेजर, मेजर सुब, कैप्टन, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब ऐसे रैंक चली जाती ऊपर। इसी तरह से भगवान परमेश्वर त्रिदेव, त्रिदेव के बाद फिर नीचे प्रजापति, उनके साथ सप्तऋषि, ये रैंक है, देवमंडल असुरमंडल, ये रैंक है इस तरह से। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि देव हमको प्रणाम करते हैं, असुर हमको प्रणाम करते हैं, प्रजापति के पद पर हैं, प्रजापति सामान्य पद नहीं है, इनको प्रणाम करना चाहिए। शिव ने कहा हम प्रणाम तो कर लें, लेकिन हमारे प्रणाम करने से अकल्याण हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पैर छुएं तो तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा, पिताजी हाथ उठाकर आशीर्वाद देंगे तो ठीक है, तुम्हारे चरण छूने लेंगे तो तुम्हारा अहंकार तृप्त हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पुण्य का नाश हो जाएगा। शिव ने कहा सती हमको प्रणाम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन हम उनको प्रणाम कर लेंगे तुम्हारे पिता उसी समय पतित हो जाएंगे, हमारे प्रणाम को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नाम रुद्र है, रुद्रावतार हैं हम, इससे उनका समूचा पुण्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन दक्ष को ये बात समझ में नहीं आई, ब्रह्म सभा थी, भगवान शिव गए हुए थे, दक्ष प्रजापति आए, सबने उनका उठ के सम्मान किया, उनको प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, पर भगवान शिव ने नहीं किया, भगवान शिव बैठे रहे। अब इसको उन्होंने अपमान माना, और अपमान मानने के बाद आपको मालूम है सारी कहानी, इसके बाद मालूम है ना, दक्ष सती का जो वो हुआ, सती ने जो अपमान देखा, उसके बाद फिर सती का सिर, सती ने अपने आप को यज्ञ कुंड में कूद करके आत्माहुति दे दी, फिर उसके बाद उन्होंने दक्ष का सिर काट करके बकरे का सिर लगाया उसके ऊपर, अहम का प्रतीक। दक्ष प्रजापति यहीं का था, यहीं जो यहीं का कनखल का, यहीं थी उसकी लेबोरेटरी, इसी पर थी। परमेश्वर तो सभी के अपने हैं, सभी के हितेशी, सभी का कल्याण करने वाले, सभी का हित करने वाले हैं, तो फिर उनको परमेश्वर मान लिया तो एक बार फिर कभी नीचे नहीं सोचना चाहिए उनके। वो केवल अर्जुन के ही सखा नहीं है, वो कर्ण के भी सखा हैं, दुर्योधन के भी सखा हैं, उनके मन में सबके हित की कामना है। रावण भगवान श्री राम को शत्रु मानता था, लेकिन राम नहीं मानते थे, सीता भी नहीं मानती थी। राम तो अपने उस नारायण स्वरूप का स्मरण करते रहते थे, जब जय विजय नाम के दो, तुम लोग जब आते हो ऊपर प्रणाम करने हमको, तो हमारे आसपास कुछ लोगों को खड़े देखते हो, वो जय विजय हमारे, वो दूर रखते हैं तुमको, अभी चलो ऊपर प्रणाम कर लिया, चलो आगे चलो आगे चलो। तो जय विजय नाम के दो केयरटेकर थे, वो जय विजय जो है वो परम भक्त थे, वही बाद में रावण कुंभकर्ण बने, और रावण कुंभकर्ण बने तो जब भगवान जब देखते हैं राम, वो सीता जब देखती हैं, तो उनको जय विजय दिखाई पड़ते हैं, रावण और कुंभकर्ण नहीं दिखाई पड़ते। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, रावण को गुस्से में नहीं मारा, रावण ने भले गुस्से में आकर के सीता का हरण किया हो, पर रावण को उन्होंने गुस्से में नहीं मारा। सीता के मन में रावण पुत्र की तरह से था, रावण के बेरी राम थे, लेकिन राम का बेरी रावण नहीं था। सोचे कुछ दिन और रावण आनंद कर ले, जल्दी क्या है मरने की, इसलिए बार बार उन्होंने एक बार अंगद को भेजा, फिर हनुमान जी को भेजा, जाओ लंका जला के आ जाओ, कुछ फल खाने का मन हो तो फल भी खा के आ जाना, वहाँ से फुलवारी से। ये कौन कर सकता है? हितेशी कर सकता है। तो भगवान क्या है? हितेशी है, सुहद हितेशी, सर्वभूतानाम, सभी जीवों के, सभी प्राणियों के अपने, कोई अपना पराया नहीं। इस अपनत को जो जानता है, इस अपनेपन को जो जानता है, वो शांति को प्राप्त होता है। देखिए आप कब सबसे सुखी रहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं? जब आप अपनों के बीच में रहते हैं, अपनी डॉर्मेटरी में, अपने ही दोस्तों के बीच में तुमको अच्छा लगता है। बाहर जाते हो तो अपने ही हॉस्टल के लोगों के बीच में आपको अच्छा लगता है, और अपनी क्लास में बैठते हो तो अपनी क्लास के लोगों के बीच में अच्छा लगता है। घर के माहौल को याद करो, जब तुम्हारे रिश्तेदार जब आते हैं, चाचा, ताऊ, चाची, मामी, बुआ, भाई बहन, भतीजे, भतीजियाँ, उनके बीच में अच्छा लगता है। विवाह उत्सव क्यों लगता है? उल्लास क्यों होता है? खुशी क्यों होती है? इसलिए कि मंगल गीत गाए जाते हैं, पूरा वातावरण ही बहुत सुखद होता है। खुशी है जो मंगलाचरण गाया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं। जब जब भगवान को हम जानते हैं इस रूप में, तब सभी प्राणियों के साथ हमारा अपनापन होता है, कोई हमारा बैरी नहीं होता। वो जो खुशी होती है, वो जो हृदय प्रेम से भरा होता है, वो संतों का भी हृदय प्रेम से भरा होता है, और ऋषियों का भी मन प्रेम से भरा होता है। निर्मल प्रेम से जो मेरे प्रेम की खुशी होती है, वो अपनेपन की खुशी होती है।
जब हम समस्त सृष्टि के अपनेपन के साथ जिए तो कितना अच्छा लगेगा। जब आप सभी यज्ञ भाव से जीवन जीते हुए समस्त सृष्टि के मित्र बनकर के रहेंगे और सबके साथ जिएंगे, तुम्हारा कोई शत्रु ही नहीं है भाई, वो भी तुम्हारे जैसा ही एक जीव है, तुम भी हो, क्या जरूरत है किसी के बारे में ईर्ष्या द्वेष अपने मन में पालने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं उसमें निकृष्टता का नामो निशान नहीं है, सभी लोगों के स्वामी के साथ एक होकर के जी रहे हैं। ये जो जान लेता है अपनत्व का भाव, अनुभूतियाँ जान लेता है, भगवान कहते हैं ज्ञात्वा नाम, इतना जान लेने के बाद कि मुझे इस रूप में जानता है, इन अनुभूतियों के साथ जीता है, जानता है, वो हमेशा शांति को प्राप्त होता है। एक राजमार्ग शांति का, अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा, सुख के पीछे सारा संसार भाग रहा है, मॉल में भाग रहा है, मल्टीप्लेक्स में भाग रहा है, बड़ी बड़ी दुकानों में भाग रहा है, सामान खरीद रहा है, पर सुख नहीं मिल, शांति नहीं मिलती। शांति कब मिलेगी, जब पहले शांति आएगी, शांति मिलेगी तब उसके बाद सुख आएगा, शांति पहले मिलेगी फिर उसका सुख आएगा, शांति पहले मिलेगी उसका सुख आएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। सुख पाना है तो शांति पहले प्राप्त करना सीखे। चलो आरती के लिए आ जाओ। यम ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये ईशोद्यते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवहि वेदहि सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ जय भगवद्गीते जय जय भगवद्गीते हरिः कमल विहारिणि हरिः कमल विहारिणि सुन्दर सुपुनीते। ॐ जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनि कामाशक्तिहरा तत्वज्ञान विकाशिनि तत्वज्ञान विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा। ॐ जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनि निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनि शरण रहस्य प्रदायिनि सब विधि सुखकारी। ॐ जय भगवद्गीते राग द्वेष विदायिनि कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ॐ जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। ॐ जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते जय जय भगवद्गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी
अंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते। सभी लोग हाथ ऊंचे कर लें, दोनों हाथ, प्रार्थना करें कि आज की इस जो हमने सुनी बातचीत, इस बातचीत का तुमको पुण्य मिले और इसके माध्यम से तुम इसको जीवन में धारण कर सको। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें। अगली क्लास मैंने जैसे बताया 23 तारीख को 16/23 गुरुवार ध्यान की क्लास होगी। गुरु सत्ता को बार बार नमन। ओम नमो स्वरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुपाये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि